नमस्कार फ्रेंड्स, सभी EPS 95 पेंशनधारियों को मेरा प्रणाम। जी हाँ फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशनरों को अब जल्द मिलेगी 7,500 प्लस DA मेडिकल सुविधा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब EPS 95 पेंशनरों की मांगें पूरी होने वाली हैं। इसके लिए NSC के नेता अशोक जी राउत ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी हेतु अशोक जी रावत और अन्य नेतागणों का काफ़ी टाइम से प्रयास है, और अशोक जी रावत ने बड़ा बयान दिया है कि आने वाले मानसून सत्र से पहले इन EPS 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए विभिन्न राज्यों के सांसदों को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, और अभी हाल ही में श्रम मंत्री के पद पर नए सदस्य हैं, वो भूपेंद्र जी यादव बने हैं, तो उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। EPS 95 पेंशनरों को तो हो सके तो EPS 95 पेंशनों की आवाज़ वो सुन सकते हैं, और उन्हें मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA दिलवा सकते हैं। तो अब EPS 95 पेंशनों का आंदोलन है, जो भी संघर्ष है, अब अंतिम चरण में है। आप सभी की मांगें अब जल्द से जल्द पूरी होने वाली हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें, आपको आपका अपना हक है वो अब मिल के ही रहेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आप सभी की मांगें अब जल्दी पूरी होगी, आपको आपका अपना हक मिल के ही रहेगा, मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA के रूप में। आप ये जो हक मांग रहे हैं, ये फ्री का नहीं, आपका खुद का हक है। आपने अपने PF फंड से पैसे दिए थे, तो आपने लगभग 30 से 35 वर्ष काम किया, तो आपका खुद का हक है ये, आपको ये मिल के ही रहेगा।